उर्दू कुछ भी बोल तूने अमरूद किससे पूछ के हैं? बता अमरूद किससे पूछ के पूछे करा परचा कराना तूने किससे पूछ के टोड़े हैं तुझे इजाजत तो लेनी चाहिए जिसका बाग है ये। हमारा ही है क्या हम जी बाहर आ गए हैं उस जगह पे जिस जगह पे जो है वो मुंजी कटनी थी ये व्लॉग जो है वो स्पेशली एक मेरा एक दोस्त है उसने फरमाइश की थी फाद भाई ये व्लॉग आप ना अपनी फसलों का जो है वो एक दफा आखिरी जो है वो अच्छी तरह बना के हमें दिखाएं और खास तौर पे फसलों के बारे में भी बताएं जो है वो कितनी देर की फसल होती है और क्या हिसाब किताब है ये हम आ गए अपनी फसल पे ये चावल लगे हुए हैं और कुछ जगह पे आ, मैंने पिछला जो व्लॉग अपलोड किया है उसमें जो है वो हमने हमारे साथ गाँव में हेड़े वहां जितनी मूंजी लगी हुई थी वो तकरीबन जो है वो इस टाइम कट चुकी है ये भी कटनी थी मेरे ख्याल से पता नहीं किस वजह से नहीं कटी मैं दरअसल आया हूँ ये शाम का टाइम है जो वो शाम की अजान होने वाली है मगरिब की तो मैं चेक करने आया हूँ मुंजी कटी है कि नहीं बाकी शेरा जो है वो अमरूद उतार के यार तू खाई जा रहा है नही तुने जिसका बाग है ये। लैन की जिसका बाघ है लैन की मतलब तू कि लैन आया मैं तो चेक करने आया हूँ मुंजी कटिची है कि

यार शेरा तू बेइज्जती करी जा रहा है सुबह नमाज का उठा होता हूं मैं सोता ही नहीं सारा दिन नमाज पढ़ के फिर सोएंगे <laughs> तो मैं दो फटा खा जाने नहीं इतने आ गए अरे ये चिट्टा आया हुआ सोलर इसने चलाया पता मुंजी पानी लाया अपनी मुंजी नो उधर वाली अच्छा ये जो है वो मेरे जो लोग देखते उन्हें पता था गंदम भी लगाई हुई थी तो अभी ये जो बीच में था कुछ रह गई थी आखिरी पानी है जो लग गया बस अभी ये ट्रैक्टर और सोलर जो है वो वापस घर ले जाएगा और बाकी मैं तो देखने ये आया था कि मुसीद जाके देखते हैं कि पकी है की नहीं और ये मेरे आने से पहले ही आप देख सकते हैं सारी जो है वो ये एरिया जो है वो सारा कट चुका है हाँ। अच्छा ज्यादा किया तुम यार मेरे ने भाई अच्छा ये जो है व्लॉग ब्लॉग एक मेरे दोस्त ने ये भी कहा था कि मिक्स बनाना है पंजाबी और उर्दू का अगला व्लॉग जो है वो मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त है उसका मैं आपको बताऊंगा भी उसने मुझे कहा कि आपने पंजाबी के अंदर सारा व्लॉग बनाना है तो इनशाला मेरा, मेरा भी पंजाबी बोलूंगा और शेरा तो वैसे ही ऑलराउंडर है ये कुछ भी बोल सकता है और कुछ भी पिंड उर्दू शेरा वैसे बोले ना क्या हाल चाल है उर्दू में ठोस पंजाबी

अच्छा मैं शेरा को ले इसने भी मुझे नहीं बताया कैसा बंदा ये मेरे साथ आया और जिस जिस रात की मुंजी कट रही थी ये जो है वो बाबा वगैरह के साथ ना बाहर आया हुआ था इस बंदे ने मुझे नहीं, 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 नहीं बताया इत, इतना बताया था कि हेड़ों वाली जो है हेड़े वाली मुंजी कट रही है इसका नहीं इसने मुझे बताया था कि ये सामने भी जो है वो कट रही है ना मैं तेन तो फोन किया तू फोन नहीं चुका है नॉन पीढ़ी है पहला लवो खुदा बंदा क्यों बेजती करी जा रहे हैं बाकी <laughs> समझ लेना की नॉन पीढ़ी पड़ोस पड़िया अच्छा अब मैं फसल फसल के बारे में थोड़ा सा बता दो बाकी तेरना निबणने चोर अमरूद आ बात नहीं, बात नहीं नहीं जा शेरा तुझे किसी चीज़ का पता नहीं आ चाहिए ये जो एरिया कट चुका है ये नीचे जो है वो पुराली पड़ी हुई है जो भैंसों के लिए काम आती है बाकी मैं फसल के बारे में बता दूं जो है वो आपको भी बता दूं जिनको नहीं पता जिन्हें पता है अच्छी बात है पता होना चाहिए ये जो है वो मुंजी लगी हुई है ये छह महीने की फसल है छह महीने के अंदर इसे काफी बार पानी भी लगाना पड़ता है और जो है वो इस पे जो है वो इसी मेडिसन भी डालनी पड़ती है खाद वगैरह होगी स्प्रे होगी गंद की और ये देखें माशाला अल्लाह की कुदरत है ये एक दाना लगाते हैं हम ये एक दाना लगता है इस तरह का बिल्कुल छोटा सा होता है और उसके साथ ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितने ज्यादा ऊपर निकल आते हैं और ऊपर चावल भी लगते हैं और ये देखें अल्लाह की कुदरत है ना माशाल्लाह एक ये हम लगाते हैं पत्ता सा आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में जो देखते हैं तो ये आगे देखें माशाल्लाह चावल ऊपर लगे हुए हैं इसी तरह कट के मशीन जो है वो काट के लेके जाती हैं आगे राइस मिल में जाती हैं वहाँ ये सफाई वगैरह होती है और बहरहाल आगे जो है वो फिर इसका सारा प्रोसीजर चलता है आगे फिर इम्पोर्ट होते हैं एक्सपोर्ट होते हैं चावल पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा लोग सेल करते हैं तो ये अब इस तरह है कि ये अब कट जाएगी ना मुंजी जिस तरह अब ये कट गई है यहाँ हम इधर फिर कोई लगाएंगे ज्यादा जेन यही है कि कनक ही लगाएंगे कनक से मुराद जिसका आटा बनता है वो यहाँ लगाएंगे बाकी भी जो ज़मीनें जो हैं वो फारिक कुछ बेंचों लिए होंगे पट्टों के लिए और कुछ जो है वो कनकिया वगैरह कनक वगैरह लगाएंगे इस तरह जो है वो फसलें हो सकता है सब्जियां भी लगाएं शेरा सब्जी लगाएंगे नहीं मैं तेरे हिसाब लाया जो तू तो उर्दू तो बोलता है तू तो बिचो ना तू तो बिचो ना की हो यार थुरक जाना <laughs> मैं तु तुर्क अच्छा, अच्छा पंजाबी में बोला एक एक तेरे कहने तक लैंड अच्छा यार है मुंजी लगी है मुंजी लगी है इस तो बाद असी लानी है कनक ਉਹ ਕਨਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਹਿ ਮੂੰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੂੰਜੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਨਕ ਕਨਕ ਜਿੰਦਾ ਆਟਾ ਬੰਦਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਸਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾੜਾ ਲਾਈਏ ਜੇ ਚਾਰਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਅਬ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਅਬ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਟਕਦਾ ਹਾਂ अभी देखे ये ये मुंजी लगी हुई है इसके बाद गंदुम लगेंगे जिसका आटा बनता है रोटी बनती है और हो सकता है इसकी जगह हम भैंसों का चारा भी लगाएं और वो ना लगाया तो फिर हम यहाँ की सब्जियां वगैरह लगाएंगे इसके आगे भी जो है वो जमीने हैं अलहमदुल्ला हमारी तो वहाँ हो सकता है क्यों नहीं क्यों नहीं मुराद के अटका अच्छा क्यों लाया पानी तो दे पकन पकी नहीं है आएगी क्या कर यार पकीया परले कच्ची अच्छा है थोड़ी अच्छा चिट्टे अच्छा इधर आ चिट्टे ए क्या दस्त चिट्टे इधर आ अच्छा चिट्टे से पूछ लेते हैं चिट्टे मुंजी हुन आखिरी बार पानी इन्हें क्यों लाया है ऐसे बतर ते कणक बीजी जाएगी अच्छा ऐसे पानी थे जमीन दस लो यार दस अच्छा मुझे फिर वाकई नहीं पता येरा तू सही कह रहा था नहीं है। <laughs> अच्छा मैं ट्रैक्टर भी चलाता हूँ अब इस व्लॉग में आपको ट्रैक्टर चला के दिखाता हूँ और ना व्लॉग लेट अपलोड करने की रीजन ये है कि गांव में जो है वो बिल्कुल सर्विस नहीं आ रही मोबाइल भी नहीं मोबाइल फोन भी नहीं हो रही कॉल भी नहीं हो रही है और नेट तो दूर की बात है अभी जो है वो अप... शेरा तू यहाँ ही बैठना है मैं ट्रेक्टर चलाऊंगा ठीक है या फिर तू वीडियो बना अफजाल जो है वो सोलर वगैरह जो है वो अभी इसे कर रहा है बंद कर देगा और इसी इसे चिटियां नॉल ला जाना है पेंड सही हो गया सोलर का यार बड़ा फायदा होता है जिन्होंने नहीं बनाया वो तो बेचारे डीजल फूक के ना उनकी हालत जो है वो टाइट हो जाती है एक मिनट ये तूने अमरूद किससे पूछ के टोड़े हैं बता अमरूद किससे पूछ के टोड़े परचा कराना तूने किससे पूछ के टोड़े हैं तुझे इजाजत लेनी तो चाहिए जिसका बाग है हमारा ही है ਉਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁਦ ਯਾਰ ਉਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇ ਸ਼ੇਰਾ ਉਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜੇ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਸ਼ੇਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸੋਲਾ ਬੜਾ ਇੰਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਹ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹੇ ਪੂੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਆ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਹਦ जिसका जी आप व्लॉग देख रहे हैं और साथ मोहम्मद ऐान मेरे बड़े भाई का नाम है ये कुछ एज में मसला था जिसकी वजह से उसका नाम चेंज किया था जो है वो उसका उमैर नाम था मेरे भाई का और आगे बाबा का नाम लिखा हुआ है चौधरी सईद जफर मंडा आगे हमारा जो है वो ये लिखा हुआ है मंडा जरी फार्म मॉडल मंडा जरी मॉडल फार्म नवाकोट आगे तहसील व जिला ननकाना लिखा हुआ है ननकाना साहिब हमारा जो है वो ये गाँव में आ, जो है वो जिला ननकाना में आता है तो इसलिए आगे सारा लिखा हुआ बाकी इसके ऊपर जो लिखा हुआ है जिन बनाई हुई है उसके बारे में लिखा हुआ देख सकते हैं पंजाब सोलर सिस्टम लिखा हुआ मियाँ अरशद उनके बारे में लिखा होगा सियाल कोट से ये बनी हुई है शेरा तू कोई एक ऐसी मतलब रीजन बता तेरी जो है वो पैदा होने का कोई हमें फायदा हो इस दुनिया में मौजूद जो मतलब तू चल फिर रहे ना तेरा कोई एक फायदा है अच्छा कोई फायदा नहीं मतलब कोई फायदा नहीं मतलब जलील अखबार की दफा तेरे ये, तेरे इस अंदाज तो पता लग रहा है कि तू कितना दुखी अपने तू मैं की कमा यार मेरे को भी अल्फाज नहीं है और ट्रैक्टर चलाए दुखी बड़े <laughs>

ਉੱਤੋ ਉੱਤੋ ਜੀ ਇਹ ਚਿੜਿਆ ਆ ਕਬਾ ਵਾਦੀ ਓ ट्रैक्टर जी आपके भाई ने चलाया है इससे आपको पता चल गया होगा कि मुझे ट्रैक्टर भी चलाना आता है इससे पता चल गया वाले का <laughs> <laughs> अच्छा जी उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग जो है वो इतना ही था वो दरअसल ब्लॉग ये था कि मैंने एक तो फसलों दिखानी थी ये मूंजी वगैरह तो मेरे ख्याल से मैं अच्छी तरह नहीं दिखा सका तो जिस दोस्त की फरमाइश पे मैंने बनाया माजरत बाकी उम्मीद करता हूँ जो देख रहे हैं कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और मैं आपको ये भी बता दू अगला ब्लॉग जो होगा वो इनशाला मेरा पंजाबी में होगा सारा ब्लॉग पंजाबी में होगा तो मजा आएगा आपको शेरा जो है वो अपनी से नहीं बाज आ रहा फिर हमजूर चोरी करके खा रहे हैं इसके पेट में जरूर दर्द होगी आज तो बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें इससे हमारी हौसला अफजाई होती है मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक तो के लिए अल्लाह हाफिज